MIUI 10.2.2.0 ग्लोबल स्टेबल लॉम फॉर रेडमी नोट 5 प्रो। तो गाइज ऐसे सवाल मेरे पास बहुत सारी आ रही है कि हम लोगों को रेडमी नोट 5 प्रो की डिवाइस में MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल लॉम MIUI 10.2.2.0 की अपडेट कब तक देखने को मिलेगी। तो गाइज जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ रेडमी नोट 5 प्रो है, और इसमें हम लोग को जो 100 की वर्सन देखने को मिली है 10.2.1.0 की है। तो ये अपडेट हम लोगों को तकरीबन 2 वीक पहले मिली थी, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक फुल डिटेल वीडियो भी बनाई थी, बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली है, क्या जो बग्स हम लोग को देखने को मिली थी साउंड वाली, क्या वो इस अपडेट में फिक्स की गई है, तो सब कुछ दोस्तों मैंने उस वीडियो में कवर किया था। उसके बाद भी दोस्तों मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं, बैटरी की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है और साउंड वाली जो बग्स है वो देखने को मिल रही है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि इस अपडेट में हम लोगों को क्या क्या चेंज लोग देखने को मिलेगी, क्या नए फीचर्स देखने को मिलेगी, क्या एंड्रॉइड पाई की अपडेट देखने को मिलेगी। तो सारे सवालों का जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो गाइज जब से मैंने अपने रेडमी नोट 6 प्रो वाली वीडियो को अपलोड किया था 10.2.2.0 वाली, तो उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट्स आ रही है कि ये अपडेट हम लोग रेडमी नोट 5 प्रो की डिवाइस में कब तक देखने को मिलेगी। रेडमी नोट 6 प्रो को बाद में अपडेट मिली थी 10.2.1.0 की, उससे पहले हम लोग को रेडमी नोट 5 प्रो में देखने को मिली थी, लेकिन रेडमी नोट 6 प्रो में हम लोगों को 10.2.2.0 की अपडेट भी देखने को मिल गई, क्योंकि रेडमी नोट 6 प्रो में हम लोग को थोड़ी सी बैटरी की दिक्कत देखने को मिल रही थी। इस वजह से Xiaomi ने जल्दी से हम लोगों को अपडेट दे दिया। अगर आप लोग रेडमी नोट 6 प्रो के यूजर से अभी तक आप लोगों के डिवाइस में अपडेट देखने को नहीं मिली है तो ऊपर आई बटन में दिया कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं, इस वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें क्या चेंज लोग देखने को मिली है मैंने आप लोगों को उसमें सब कुछ डिटेल के साथ में बता दिया। लेकिन दोस्तों रेडमी नोट 5 प्रो की डिवाइस में हम लोग क्या चेंज लोग देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले चेंज दोस्तों हम लोग को देखने को मिलेगी एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पेच हम लोग की जनवरी की देखने को मिल जाएगी। अभी हम लोग को 10.2.1.0 में दिसंबर की है, जब हम लोगों को 10.2.2.0 की अपडेट देखने को मिलेगी तभी जनवरी की हो जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग एंड्रॉइड वर्सन एंड्रॉइड पाई हो जाएगी तो दोस्तों आप लोग रॉन्ग है। अभी इस वर्सन में हम लोग को एंड्रॉइड पाई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एंड्रॉइड पाई के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, कोई भी अपडेट आती है पहले बीटा में आती है, बीटा में टेस्टिंग होती है, उसके बाद स्टेबल में आती है। तो अभी तक बीटा वालों को पता नहीं है कब तक देखने को मिलेगी एंड्रॉइड पाई की अपडेट, तो स्टेबल में तो आप लोग भूल ही जाइए, लेकिन एंड्रॉइड पाई की अपडेट हम लोगों को रेडमी नोट 5 प्रो की डिवाइस में मिलेगी। मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने मेरी एंड्रॉइड पाई वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप लोग मेरी उस वीडियो को देख ले, मैंने डिटेल के साथ में बताया है क्यों हम लोग को रेडमी नोट 5 की डिवाइस में अपडेट देखने को मिलेगी। Xiaomi Redmi की डिवाइस में सिर्फ सिंगल अपडेट देता है, लेकिन दोस्तों मैंने उस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताया है क्यों हम लोगों को Redmi Note 5 Pro की डिवाइस में Android Pie की अपडेट देखने को मिली है। तो प्लीज यार आप लोग मेरी उस वाली वीडियो को भी देख लेना अगर नहीं देखे हैं। बात करते हैं Redmi Note 5 Pro में क्या देखने को मिलेगी। तो पाई तो देखने को मिलेगी, कब तक मिलेगी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ मार्च के एंड तक ही हम लोगों को चांसेस है इंडिया में देखने को अपडेट। बीटा में उससे पहले देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टेबल में दोस्तों हम लोग को मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी स्टेबल में एंड्रॉइड पाई रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को काफी सारे कमेंट्स आ रही थी बैटरी आप लोगों की डाउन हो गई है, और जब भी आप लोग म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक सुनते सुनते आप लोगों की साउंड जो है डिक्रीज होती जा रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि साउंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो Xiaomi हम लोगों को इसके रिगार्डिंग अपडेट देगा, बहुत ज्यादा अपडेट देगा। और दोस्तों अभी तक ये अपडेट हम लोग को बीटा स्टेबल यूजर्स को भी देखने को नहीं मिली है, तो जैसे ही बीटा स्टेबल में ये अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा क्या चेंज देखने को मिली है, क्या ये बग फिक्स हुई है या नहीं हुई है, और बैटरी वाली जो प्रॉब्लम है इसे भी दोस्तों इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपको पता है कि मेरे पास Xiaomi के लगभग सभी डिवाइसेस अवेलेबल है, और मैंने हाल ही में पोको F1 के रिगार्डिंग वीडियो बनाया और रेडमी नोट 6 प्रो के रिगार्डिंग वीडियो बनाया, तो अगर आप लोग Xiaomi की यूजर है, Xiaomi के डिवाइस यूज करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल एंड कीप वॉचिंग।